चलो इस शहर में कोई तो साथी मिला मुझे। बच्ची छोटी सी है, 6 साल की, लेकिन भाव अच्छे हैं। इसके भाव ये हैं कि इसको लगता है कि पेड़ों को भी प्यास लगती है, बस इससे ज़्यादा इसके कोई भाव नहीं है। और इसी भाव के कारण ये काफ़ी देर से नली को पकड़ के खड़ी है, पानी पिला रही है। ये वही बात हर दिन की तरह, गांधी पार्क है, गांधी पार्क का ये पिछला पोर्शन है जिसमें नली लगा के पानी पिला जी। हाँ, आपने इसको पिला दिया पूरे को? अरे पिला रही हूँ, जो उनको पिला के रखो। ठीक है, ये एक नन्ही सी बच्ची है, नाम प्रियांशी है इसका। प्रियांशी तुम क्या कर रहे हो? ये बहुत पिलाशी लगती है, मैं पहली बार आई इसलिए इनको पानी दे रही हूँ। इन्हें बहुत पिला आती तो इन्हें गीला लगता है, इसी मैंने पानी दे रही। आप इनको पानी पिला रहे हो क्योंकि आप कह रहे हो कि इनको प्यास लगती है। हाँ। और गर्मी भी लगती होगी इनको, ये धूप में खड़े रहते हैं। लेकिन दूसरे छोटे भी है, मतलब काफी छोटे हैं ये। ये बड़े हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। अभी छोटे हैं ये, छोटे भी हैं। हाँ, लेकिन हैं बहुत अच्छे। अब आप रोज आओगे यहाँ पानी पिलाने? हाँ। हैं? दूसरे बच्चे नहीं आते पानी पिलाने यहाँ? मतलब काम करना अच्छा भी लगता है इसलिए। अरे वाह बेटा वाह, कमाल कर दिया आपने तो। आपको काम करना अच्छा लगता है, पेड़ों को प्यास लगती है, पेड़ों को धूप लगती है, और इनको जब पानी पिलाते हो तो आपको आनंद आता है, क्यों? हाँ। ये पेड़ बड़े हो जाएंगे तो छाया देंगे। हाँ। ये पेड़ ऑक्सीजन भी देते हैं। फिर ये बड़े हो जाएगी तो छतरी रखूंगी और फिर धूप भी नहीं लगेगी, छाया लगेगी। अच्छा, गुड 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 गुड। तो प्रियांशी आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं पानी देती हूँ पौधों को। तो आपको थैंक यू सो मच। उनको भी दिखा के लाओ ना, ये प्रियांशी ने भरा है, वो भी प्रियांशी ने भरा है, वो वाला सारा मैंने पानी भरा ना। हाँ, दिखा कर आओ आप। उनको दिखा के आता हूँ बेटा। यस 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 यस। वो पेट भर गया पानी, इसको देखो, चेक करो प्रियांशी, ये पेड़ देखो, ये नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है, ठीक है, इसको पानी पिलाओ। फिर बरगद को पानी पिलाओगे, और बरगद का तो बहुत बड़ा पेड़ होता है, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, गुड गुड। ये पेड़ तो आपसे भी बड़ा हो गया, छोटे छोटे कांटे तो चुभेंगे भाई अपन। ओके, गुड गुड गुड। इसको हम ऊपर कर देते हैं ऐसे, बस ठीक है। हाँ, तो प्रियांशी आपने जो काम किया ना, कोई नहीं कर सकता। मुझे सांस लेना है, मुझे कुछ आराम करना है नाना। आपको आराम करना है? हाँ। अच्छा, तो आराम करना, पहले पानी पिलाओगे फिर आराम मिलेगा आपको। हाँ, पहले पूरा पानी पिलाओगे ना तब आपको आराम देंगे, कोई आराम नहीं देगा आपको, ठीक है। अभी कोई से पूछे मैं आराम कर लूं, कोई बोल रहा है नहीं, पहले पौधों को पानी दो फिर मैं। पहले पौधों को पानी दो, ठीक है। कांटे गए आप, ये कांटे चुभ गए। कोई बात नहीं। अब आप तो डरपोक थोड़ी हो, कमजोर भी नहीं हो आप तो। देखो ये आगे फट से, अब कहाँ कितने कांटे चुभे, निकालो इनको। रे प्रियांशी, कोई बात नहीं, ये कांटे एक दिन फूल बनेंगे, चिंता मत करो। निकालो कांटे, निकालो, कोई बात नहीं, डरना नहीं। इसके अंदर भी चले गए कांटे, कोई बात नहीं, पैरों में भी कांटे लग गए। ओ, क्या कांटा चुभ गया प्रियांशी? इसको निकालो, कोई बात नहीं। अब ऐसा काम करोगे तो थोड़ा बहुत कांटा चुभेगा। अच्छा ये बताओ प्रियांशी, आप ये तितली देख रहे हैं? ये दिख रही है तितली आपको? ये तितली क्यों है पता है यहाँ? क्योंकि यहाँ पेड़ है, यहाँ घास है, या हरियाली। अच्छा प्रियांशी, आप ये बताओ आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बस है ना, मुझे पौधे डालना अच्छा तो लगता है। हाँ।
मतलब है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है कि कांटे चुभे हुए, इसलिए अब एक काम करो, अब उन पौधे पर आपने तो ये देखो कितने पेड़, 10 पेड़ों को पानी पिला दिया, अभी 10 पेड़ों को और पिलाएंगे आप, हैं? ठीक है, काम अच्छा लगता तो है, मतलब कोई मुझे काम ही नहीं देता, इसलिए मेरे नाना है ना प्यारे, इसलिए मुझे काम देते हैं। अच्छा पानी डालना पड़ेगा, ठीक है ये भर गया ना, अब अपन तो और भरो, इसको पूरा भर दो, ठीक है प्रियांशी, अब आप रोज आएंगे यहाँ, रोज पेड़ों को पानी पिलाएंगे, तो जब ये ट्यूशन जाओगे तो ट्यूशन को करने के बाद फिर वापस आओगे यहाँ, हाँ। दोपहर को आएंगे और देखो पेड़ भी बड़ा हो गया। एक काम करेंगे, हमें ना ट्यूशन जाकर आओगे तो मैं ना हम दोनों चलेंगे ना इनको पानी डालने। ठीक है, ओके गुड, चलो मैं प्रियांशी आपको मैं थैंक यू करता हूँ, आपने मेरे मेरा आज हेल्प किया, इतने बड़े शहर में कोई छोटा सा, हाँ मुझे ऐसा लग रहा था पर आपने तो मेरी हेल्प की है, मैं आपको थैंक यू करता हूँ, ठीक है, ओके थैंक यू, की कोई बात नहीं, आप जो कहोगे वो खिलाएंगे क्योंकि आपने पेड़ों को पानी पिलाया है, ठीक है, बात इतनी सी है कि बचपन में अगर बच्चों को पर्यावरण का पाठ पढ़ा दिया जाए तो काम का रहता है, बड़ा काम आता है, आप देखते रहें इस देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा, लेकिन चिंतन भी करें कि कैसे बचेगा पर्यावरण, कौन पिलाएगा इन पेड़ों को पानी, कैसे होगा शहर हरा भरा। नमस्कार।